हाई प्रिंट आरसीटी हम बात करने वाले हैं। एशिया स्टेट एंड रोम का आज का जो मैच नंबर 29 होगा वो खेले जाने वाला है आरसीसी वर्सेस आरजेडी के बीच में शुरू होगा। मैच का टाइम रहने वाला है आज शाम 6:45 में शुरू होगा। वेदर की बात करें तो मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, सेम ग्राउंड पर मैच है। पिच रिपोर्ट की बात करें तो आर्टिफिशियल विकेट हैं, एवरेज इसको 90 से 130 के बीच में रहने वाला है। वेन्यू रिकॉर्ड देख लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस पिच पर अब तक 26 मैच कंप्लीट हो चुके हैं, 12 मैच जीते बैटिंग पर्स करने वाली टीम ने 14 मैच में चेज हुए हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आरसीसी की टीम की। लास्ट 5 मैच खेल के आ रही है टीम और 5ों मैच ना विन किए हैं, यानी काफ़ी सॉलिड टीम है। लास्ट मैच ओपनिंग की थी दिनुदु मरागे ने और पृथ्वी समरगे ने। मरागे की बात करें तो काफ़ी अच्छा इनका रिकॉर्ड रहा है, 67 2 विकेट 20 1 विकेट 51 नॉट आउट, 19 1 विकेट 18 1 विकेट। देख सकते हो आपके लिए बेस्ट पिक रहने वाला है क्योंकि आपको ऑलराउंडर प्लेयर हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों से पूर्ण देने वाला है। टी10 के 43 मैच खेले हैं, 834 रन 19 का एवरेज है, 43 विकेट है, 69 ओवर डाल के बेस्ट पिक है, मौका जरूर देना चाहिए। कैप्टन या वाइस कैप्टन के तौर पर चूज कर सकते हो। पृथ्वी समरगे की बात कर लेते हैं, 1 विकेट 4 1 विकेट 9 बैटिंग 0 विकेट 53 रन 3 विकेट। देख सकते हो लास्ट मैच में ना बंदे ने 53 रन के साथ 3 विकेट निकाले थे, 2 डाल के, यानी बेस्ट पिक है, जरूर मौका देना चाहिए। चार्ल्स की बात कर लेते हैं, 8 1 विकेट 38 2 विकेट 58 नॉट आउट 3 विकेट 44 नॉट आउट 0 विकेट 5 1 विकेट। यहाँ पर ये भी आपके लिए बेस्ट पिक रहने वाला है क्योंकि ना आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से पूर्ण देने वाला है। टी10 के 10 मैच खेले हैं, 208 रन है, 26 का एवरेज है, 4 विकेट 14 ओवर डाल के जरूर मौका दे सकते हो। नवोद काला सिलिया की बात कर लेते हैं, सिर्फ लास्ट वाले मैच में मौका मिला था, 23 रन के अच्छी पार खेले हैं। टी10 के 15 मैच खेले हैं, 283 रन है, 23 का एवरेज है, ओवरऑल 18 मैच में 530 रन है, 48 का एवरेज है। राहत अहमद की बात कर लेते हैं, 9 बैटिंग 13 1 विकेट 24 रन 4 1 विकेट। देख सकते हो यहाँ पर ना अगर बंदा खेलेगा तो अगर बॉलिंग करेगा ना तो आपको बॉलिंग बैटिंग दोनों से पूर्ण देगा। टी10 के 30 मैच खेले हैं, 178 रन हैं, 8 विकेट 12 ओवर डाल के। देन है सैनी वीरत्ने की बात कर लेते हैं, 9 बैटिंग 7 रन 2 विकेट 6 नॉट आउट 21 नॉट आउट 1 विकेट। यहाँ पर देख सकते हो अच्छा पिक है आपके लिए। टी10 के 33 मैच खेला है, 203 रन है, 16 का एवरेज है, ओवरऑल 8 मैच में 113 रन है, 6 विकेट 20 ओवर डाल के। प्रभात की बात कर लेते हैं, लास्ट मैच में 1 ओवर डाल के विकेट ले रहा है। टी10 के 32 मैच खेला है, 289 रन है, 16 का एवरेज है, 20 विकेट 41 ओवर डाल के। तुषार समार कौन की बात कर लेते हैं, सिर्फ लास्ट मैच में देख सकते हो यहाँ पर मैच पूरे मैचों में खेला था बट 9 बैटिंग रहा है, सिर्फ 1 मैच में बैटिंग की थी, 12 रन की पारी खेली है। सुजीत रेलगोड़ा की बात कर लेते हैं, देख सकते हो लास्ट 5ों मैचों में 9 बैटिंग रहा था, ना तो बैटिंग मिली ना बॉलिंग मिली। टी10 के 54 मैच खेला है, 229 रन है, 12 का एवरेज है। थारिदु वो हामी की बात कर लेते हैं, 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 9 बैटिंग और 2 विकेट। लास्ट वाले मैच में 2 ओवर डाल के 2 विकेट निकाले थे और फर्स्ट वाले मैच में 2 ओवर डाल के 1 विकेट निकाला था, बाकी पूरे बीच वाले 3 मैच पे था ये फ्लॉप रहा है। यहाँ से ज़्यादा अथनायके की बात कर लेते हैं, 2 विकेट 0 विकेट 2 विकेट और 0 विकेट। देख सकते हो यहाँ पर ना फर्स्ट वाले मैच में 2 विकेट निकाले थे और लास्ट वाले मैच में 1 ओवर डाल के 0 विकेट हैं। बेंच में से जो भी कोई प्लेयर खेलेगा तो उनके रिकॉर्ड आपको टेलीग्राम चैनल पर ही देखने को मिले। जैसे यहाँ से समीरा कप्पू खेलता है, ये भी आपके लिए बेस्ट पिक रहने वाला है, खेलता है, मौका आप अपनी टीम में दे सकते हो। तो यहाँ से ना स्टार्टिंग ओवर डाल सकते हैं, एम मथुरंदे, टी अप्पू में, डी अथानकया, डेथ ओवर डाल सकते हैं, पी समरगे, यहाँ पर डी सेनवैरत्ने। तो जो डेथ में बॉलिंग करेगा वो हमेशा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आपको जरूर से जाके ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे आरजेडी की टीम की, तो टीम की बात करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जाके सब्सक्राइब कर लेना है और टेलीग्राम चैनल को जरूर से जाकर ज्वाइन कर लेना है क्योंकि वहाँ पर ही आपका अपडेट और फाइनल टीम और प्लेइंग 11 मिलने वाली है। टेलीग्राम चैनल का लिंक एक तो आपको इस वीडियो के डिस्कशन में, दूसरा जहाँ आप कमेंट करते हो ना वहाँ पर ऊपर आपको पिन के ऊपर मिल जाएगा। तो जैसे आप हमारे अकाउंट पर क्लिक करोगे आप टेलीग्राम चैनल पहुँच जाओगे, वहाँ ज्वाइन हो सब पर क्लिक करके आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। तो हम बात कर लेते हैं आरजेडी की टीम की, लास्ट 6 मैच खेल के आ रही है टीम, 2 मैच विन के हैं, 4 मैच ये हार के आ रही है। लास्ट मैच ओपनिंग की थी सदामल गुल जादरान ने, मुख्तियार सिंह ने। जादरान की बात करें तो 28 0 विकेट 12 1 विकेट 24 1 विकेट 1 विकेट 6 1 विकेट और 1 विकेट। यहाँ पर बेस्ट पिक रहने वाला है क्योंकि ना आपको बॉलिंग से बैटिंग से दोनों से पॉइंट देगा। टी10 के 16 मैच खेले हैं, 46 रन हैं, 10 विकेट 28 ओवर डाल के। मुख्तियार सिंह की बात कर लेते हैं, 13 1 विकेट 29 1 विकेट 13 4 विकेट 9 बैटिंग 1 विकेट और 0 विकेट। देख सकते हो बेस्ट पिक है आपके लिए, आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट देगा, हर मैच में जाता आपको 2-2 ओवर डालता दिखाई देगा। टी10 के 15 मैच खेला है, 220 रन है, 16 विकेट 27 ओवर डाल के। अहमदादुल हक की बात कर लेते हैं, 0 विकेट 0 विकेट 9 बैटिंग और 0 विकेट। लास्ट 4ों मैच में मौका मिला था बट विकेट लेस रहे हैं, ओवरऑल यहाँ पर देख सकते हो 9 मैच खेले हैं, 12 रन है, 8 विकेट 34 ओवर डाल के।
कुलविंदर राम की बात कर लेते हैं, 3 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 9 बैटिंग और 3 रन, 1 विकेट। देख सकते हो मौका पूरे मैचों में मिला था, बॉलिंग कन्फर्म डाली थी, सिर्फ एक मैच में 9 बैटिंग रहे हैं, बाकी पूरे 5 मैचों में कन्फर्म इन्होंने विकेट निकाले हैं। T10 के 17 मैच खेले हैं, 20 रन है, 2 विकेट हैं, 8 ओवर डाल के। ओवरऑल 14 मैच में 54 रन है, 17 विकेट है, 53 ओवर डाल के। बेस्ट पिक है, मौका जरूर देना चाहिए। यहाँ से आ जाते हैं मुनीम नियाजी की बात कर लेते हैं, 14 0 विकेट, 0 विकेट, 12 रन, 38 3 विकेट, 19 0 विकेट और 1 रन। लास्ट वाले मैच में ना सिर्फ 1 ही रन किया था, बाकी बेस्ट पिक है आपके लिए, क्योंकि आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट देगा। T10 के 32 मैच खेला है, 371 रन है, 14 विकेट, 32 ओवर डाल के। जुलकारियन अली की बात कर लेते हैं, लास्ट मैच में 17 रन किए थे। T10 के 11 मैच खेले हैं, 32 रन, 34 रन है, 0 विकेट हैं। मनदीप कुमार की बात कर लेते हैं, 12 1 विकेट, 9 बैटिंग और 11 0 विकेट, 0 रन और 13 रन। T10 के 6 मैच खेले हैं, 77 रन हैं, 0 विकेट हैं। जितेंद्र प्रकाश की तरफ आ जाते हैं, 3 2 विकेट, 3 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट और 0 विकेट। यहाँ पर बेस्ट पिक रहने वाला है जितेंद्र प्रकाश, क्योंकि ना हर मैच में आपको बॉलिंग करके देगा तो अच्छा पिक आपके साबित हो सकता है, क्योंकि बॉलिंग के ऐसे पॉइंट मिल जाएंगे। हुसैन जाकिर की बात कर लेते हैं, खास इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अब तक इन्होंने खास अच्छा नहीं किया, सिर्फ एक मैच में बॉलिंग की थी जिसमें विकेट ले रहा है। जमालुद्दीन की बात कर लेते हैं, सिर्फ एक मैच में 1 विकेट निकाला था, बाकी 9 बैटिंग रहा है। अनिल कपूर की बात कर लेते हैं, 1 विकेट, 5 रन, 0 विकेट, 9 बैटिंग, खास इंपॉर्टेंट नहीं है। T10 के 26 मैच खेला है, 71 रन है, 18 विकेट हैं, 36 ओवर डाल के। बेंच में से जो भी कोई प्लेयर खेलेगा, जैसे यहाँ से मुबारक हुसैन खेलता है, बेस्ट भी कि आपको अपनी टीम में मौका जरूर देना है, क्योंकि ना देख सकते हो 14 11 36 0 11 और 68 रन की अच्छी पार खेला है हर मैच में। देख सकते हो हरप्रीत की बात कर लेते हैं, तो अगर ये खेलता है ये भी आपके लिए बेस्ट पिक रहने वाला है, 23 0 विकेट 17 2 विकेट। देख दो ही मैच में मौका मिला था, बट अगर मौका मिलेगा तो आप अपनी टीम में से रख सकते हो। स्टार्टिंग को डालने आ सकते हैं एस जादरान, ए हक और के राम, डेथ को डालने आ जाएंगे एम सिंह, एस जादरान, जय प्रकाश। जो डेथ में बॉलिंग करेगा वो हमेशा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि विकेट के पॉइंट आपको अच्छे दे जाएंगे। तो यहाँ पर वीडियो का एनालिसिस वाला पार्ट चुका है कंप्लीट, चलते हैं अपनी डेमो टीम की तरफ। डेमो टीम की तरफ जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जाकर सब्सक्राइब कर लेना है, और टेलीग्राम चैनल को जरूर से जाकर ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहाँ पर ही आपको अपडेट और फाइनल टीम और प्लेइंग 11 मिलने वाले हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक एक तो आपको इस वीडियो के डिस्कशन में, दूसरा जहाँ आप कमेंट करोगे ना वहाँ पर ऊपर ही ऊपर आपको पिन के ऊपर मिल जाएगा। तो जैसे हमारे अकाउंट पर क्लिक करोगे आप टेलीग्राम चैनल पहुँच जाओगे, वहाँ ज्वाइन हो सब पर क्लिक करके आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। तो चलते अपनी डेमो टीम की तरफ। डेमो टीम में यहाँ पर मैं विकेट कीपर सेक्शन से करने वाला हूँ एम नियाजे को, और यहाँ पर करने वाला हूँ हरप्रीत को। बैटिंग सेक्शन से के राम को, एम हुसैन को, आर अहमद को। ऑलराउंडर सेक्शन से डी मर्गे को, एम सिंह को। बॉलिंग सेक्शन से एस जादरान को, पी समर्गे को, जय प्रकाश को, ओ सी परेंडे को। यहाँ पर मैं अपना कैप्टन करने वाला हूँ डी मर्गे को, और वाइस कैप्टन करने वाला हूँ सी परेंडे को। बट ये मेरी फाइनल टीम नहीं है, ये सिर्फ मेरी डेमो टीम है, फाइनल टीम में टेलीग्राम पर ही दूंगा। अगर आपको अच्छी अर्निंग करनी है तो आपको जरूर से जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि ना लास्ट मैच में आप देख तो आपने काफ़ी अच्छी अल्ट्रा क्लीनशिप की थी, उससे मैंने आपको काफ़ी अच्छी टीम दी थी, तो उससे आपको काफ़ी अर्निंग की होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर से कर देना है। धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए।